यूपी के मुरादाबाद देहात की बात करते हैं, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग की लापरवाही एक किसान पर भारी पड़ गई। बता दें कि बिजली का तार टूटकर गेहूं की फसल में जा गिरा, जिसकी वजह से किसान की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है जी। क्या मामला है सभी के? कहाँ के रहने वाले हो आप? नियामतपुर एकलौटिया। तो क्या मामला है? मामला ये मेरी जमीन है 8 बीघे समझी में, और उसमें बिजली का तार गिर गया। और मैंने उन लोगों से कहा, कई दफ़ा कहा, उन्होंने कही कि अगर ज़्यादा कहोगे तो जेल करा देंगे। और वो ही बात हुई, 70 जोड़ हैं उसमें, वो तार गिर गया, पूरा खेत जल गया। अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका मुआवजा मिलना चाहिए। किसी अधिकारी से शिकायत करी आपने? अधिकारी से करी शिकायत। फिर क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि 5000 रुपये दो, हम खंभा गाड़ देंगे इसमें। खंभा गाड़ देंगे? हाँ। किसने मांगे, बिजली विभाग ने? किसने? जो बिजली विभाग के वो मैनेजर हैं जय साहब, उन्होंने। कितने पैसे मांगे? 5000 रुपये। बिजली घर कहाँ पर है आपका? दलपतपुर।